हाई, वेलकम टू द रिव्यू विद महवश। आज इस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं, उसका नाम है आंगन। और आज हम आंगन की फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग अबाउट आंगन दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट आंगन विल नॉट बी ऑन यूट्यूब। तो आपको सबकी तरह हम टीवी के सामने बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। और वाकई शायद ये एक ऐसा ड्रामा होगा कि जो पुराने वक्तों की तरह लोग बैठ जाते थे, सड़कें खाली होती थी, काम धाम छोड़ दिए जाते थे, खाना टीवी के सामने खाया जाता था, वैसे तो अब भी खाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ड्रामा वाकई हो रहा है कि जो ऑडियंस को छोटी सी स्क्रीन से बाहर निकालकर बड़ी स्क्रीन पे, यानी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे दोबारा लेकर आएगा। कहानी सेट हुई हुई है प्री पार्टीशन के एक ऐसी जमीन पर, जहां पर एक खातून जो है अपने एक फ्लैंडरिंग किस्म के, यानी चीटिंग किस्म के हस्बैंड के साथ वो जिंदगी गुजार रही हैं, जिन्होंने दो औरतें रखी हुई हैं अपनी साइड पर, उनके बच्चे भी हैं, और वो उनको सॉर्ट ऑफ बड़ी ही एक डेरोगेटरी तरीके से वो बात करती हैं, जो कि आई थिंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक। तो ये जो हजरत हैं, दैट इज प्लेड बाय आबिद अली, इनकी लाइफ की कुछ डिलेमा ये हैं कि ही हैज केप्ट दीज टू वुमेन, जिनके साथ उनके बच्चे भी हैं, बट जो मेन जमीनों के जो हालात हैं या जो जमीन से संभालने वाली हैं वो उनकी वाइफ हैं, जो मेन उनकी मनकुहा हैं, जिनसे उनके काफी सारे बेटे हैं और बहुएं हैं। बहुओं में जो उनकी सेकंड नंबर वाली बहू है उनसे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। बड़ी वाली बहू उनको बड़ी अच्छी लगती है, विच इज प्लेड बाय मदीहा रिजवी, और मदीहा रिजवी के कोई भाई हैं जो विलायत में रहते हैं, और उमैर राणा जो उनके हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो इस बात से कोई ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि वो हर वक्त आके अपने विलायती भाई की बातें करती रहती। बट दैट ब्यूटिफुल सीन इन विच शी कम्स टू हिम एंड देन शी टॉक्स अबाउट दिस विलायती भाई इज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ शोज यू द डायनामिक के अ वुमन कैन स्पीक अप फॉर हरसेल्फ विदाउट बींग लेबल्ड और विदाउट बींग शोन एज दिस क्रेजी मॉन्स्टर। शी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग एंड शी डज हैव अ वॉइस। देन वी हैव द केमिस्ट्री बिटवीन सोनिया हुसैन एंड एहसन खान, आई डू बाय इट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ देवदास फील्स। डज इट गिव यू देवदास फील? हाथ पे छाला रखा था और मैंने उसको अभी तक सजा के रखा है। खैर, देवदास भी उसी ज़माने की एक क्लासिकल सी स्टोरी थी, बट ये जो रिच गर्ल फॉल्स इन लव विद द पुअर बॉय, ये बहुत ही जल्दी हमने देखा कि ये एक फर्स्ट एपिसोड में हमने एक बड़ा स्पीड अप किस्म का प्लॉट देखा। तो आई थिंक ये एक प्रेमिस होगा जिस पर बाकी की कहानी बिल्ट हुई होगी। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक आंगन पूरा नहीं पढ़ा है, द नॉवल, खदीजा मस्तूर के नॉवल के ऊपर ये पूरा बेस्ड है, मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो ज़रूर इनसाइट्स कमेंट्स में दीजिए। मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊँगी वैसे वैसे होपफुली ड्रामा भी देखती जाऊँगी। द वंडरफुल थिंग अबाउट दिस क्लासिक्स दैट वी हैड इन उर्दू लिटरेचर वॉज दैट इनके अंदर जो डायलॉग था या मकालमा था या आपस में लोगों की बातचीत थी वो सतही नहीं थी, सब्सटैंशियल थी, इसमें कोई मीट था, कोई मैटर था। तो जब इस तरह का डायलॉग सुनने में आता है या इस तरह की बैक एंड फोर्थ देखने में आता है टेलीविजन के ऊपर, जो कि हम बहुत मिस करते हैं, दैट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच। सो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आई बिलीव यू विल नॉट सी अहद एंड सजल, विच आर द मोस्ट हाइप्ड अप कपल इन दिस ड्रामा राइट नाउ, छम्मी और जमील जो हैं। आलिया जो हैं, जो कि मावरा हुसैन किरदार अदा कर रही हैं, एक्चुअली नॉवल आलिया के किरदार से शुरू होता है, आलिया सॉर्ट ऑफ कहानी सुना रही होती हैं, लेकिन हमने जो उसकी ड्रामाई तश्कील देखी है जो कि मुस्तफ़ा आफरीदी ने लिखी है, उसमें हमने देखा है कि कहानी जो है वो इस बड़े से एक खानदान पे और उस पर पूरी, आई थिंक वो उसमें पूरी टोन सेट कर रहे हैं कि एक्चुअल खानदान के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, खानदान किन रूल्स पे चलता है, ओन कौन करता है, रूल्स डिक्टेट कौन कर रहा है। इन दैट द प्ले इज सेंसिबल बिकॉज इट सेट्स दैट टोन, इट टेल्स यू दैट दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग इन दीज रूल्स एंड दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन दीज पुशेज एंड पुल्स। हाउएवर आई फील दैट द रोमांस वॉज प्रॉब्ली नॉट इनफ, आई थिंक देर वॉज अगेन लिटिल बिल्डअप टू दिस कैरेक्टर, थोड़ा सा उन्होंने टाइम दिया लेकिन जो रोमांस है वो थोड़ा उसको आई थिंक शायद ज्यादा स्पेस देते ग्रो करने के लिए या उससे स्टार्ट करते तो शायद वो जो एंड में एकदम से बड़ी चीज आई कि जी ओहो हो सबको पता चल गया, सॉरी स्पॉइलर अलर्ट, कि सबको पता चल गया कि इस अमीर लड़की का इस गरीब लड़के से चक्कर चल रहा है, सो दैट इज अ लिटिल आई फेल्ट दैट दैट वाज अ लिटिल बिट रश्ड। अगर उसको थोड़ा सा टाइम लेते, थोड़ा सा बिल्ड करते और फिर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आती तो शायद अच्छा होता। एहसन खान वी सी इन अ डिफरेंट अवतार और वो प्ले कर रहे हैं एक ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल ही बेसिक मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास के तबके से वो ताल्लुक रखता है, और उसकी जो इमोशन है या उसका जो फीलिंग है इस लड़की के लिए वो कुछ खास समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है डेफिनेटली, एंड एहसन इज सो गुड लुकिंग एंड इज गॉट सच मैग्निफिसेंट स्क्रीन प्रेजेंस दैट वो चीज़ उनकी पास हो जाती है, मतलब आप रुकते नहीं है, सोचते नहीं है कि ओ माय गॉड वेयर इज दिस केमिस्ट्री कमिंग फ्रॉम, यू डू क्वेश्चन इट अ लिटिल बिट व्हेन टुवर्ड्स द एंड सडनली द होल प्ले एंड द होल सिचुएशन टेक्स दैट टर्न,
But when it's happening, you do get invested and you do want these two people to come together. Aangan ki once again बहुत अच्छी बात ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें वो एक time लेता है dialogue build करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, characters को सीने के लिए. Just this last bit was a little bit too rushed. However, जो बाकी के conflicts हैं, जैसे एक ऐसी औरत जिसका husband उसको मालूम है कि he roams around and he sleeps around and he has these relationships with other women. It's a very interesting commentary on how relationships worked when women weren't in that position, जिसको हम आजकल की modern empowerment कहते हैं. आजकल की situation में एक औरत के पास बहुत सारे ऐसे avenues होते हैं जो वो choose कर सकती है, अगर उसके वो इन हालात में होती है, especially considering a certain socio-economic class in our society. लेकिन if you think about that time, if you think about the time जहाँ पे औरतों का जो एक role था society में, वो बड़ा ही restricted था, बड़ा ही basic था. घर चलाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, मियाओं की बातों पे पर्दा डालेंगी. एक और बहुत अच्छा डायलॉग जो आता है बीच में, वो ये कहा जाता है, उमेर राना का किरदार जो है वो ये कहता है कि शरीफों के घरों में इस तरह की बातें इस तरह खुल खुल के नहीं करनी चाहिए, उन पे पर्दा रखना चाहिए. तो उनको जवाब में उनकी मदर यही कहती हैं कि जनाब ये पर्दा जो है ना ये मुनाफिकों के लिए होता है, शरीफ लोग जो है ना वो ये काम करते ही नहीं. तो ये बड़ी अच्छी बात है कि शराफत का पैमाना क्या है. शराफत का पैमाना अगर ये है कि जी हाँ जो मर्जी करो लेकिन पर्दा डाल दो, या शराफत का पैमाना यह है कि भाई आप करो ही नहीं ऐसी हरकतें जिस पे पर्दा डालने की ज़रूरत पड़े. सो ये दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वर्जन्स हैं कि क्या सच बोलने का मतलब यह है कि आप जो हैं वो अपनी शराफत से हाथ धो बैठेंगे, क्या आपको ऐसा काम करने के बावजूद भी शराफत का एक जो कैटेगरी है आपके लिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. व्हाट आई लाइक इज दैट आंगन डजंट टेक इट सेल्फ इन टू टू मच कॉम्प्लिकेशंस ऑफ व्हाट द पार्टीशन वॉज व्हेन यू सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट द Hindu-Muslim unity was like, at least in the first episode. We'll see obviously how it develops, because wo communal tensions or wo political tensions bhi aayengi nazar obviously kisi na kisi tarike se. Lekin at this point when you see a Hindu and a Muslim interacting, it's not shown as one is trying to up the other or the other one is trying to put some point across. It's not negative, it's not antagonistic. So that's a really good tone that it sets, because when you look at all these partition plays and when you look at something which is set in the tone of partition or is about to tell a partition story, the pehli baat yehi hoti hai ki Hindu Muslim mein koi phadda to zarur hua tha, which is fine and that is a way to tell the story, but too many stories have been told this way. So for Aangan to start off from this way, that there was this relationship between Hindus and Muslims and they were connected with agriculture and families and society and friendships, jisme kahin kahin is tarah ki cheeze aati hain ki ha bhai tum to hamare ghar khana khaoge hi nahi, but lekin wo तरह डील किया जाता है उससे कि नहीं नहीं जी ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है. सो अगर आपने ये एपिसोड्स अभी तक नहीं देखी, आंगन की पहली एपिसोड नहीं देखी, तो आई एम श्योर कोई रीकैप का टाइम होगा हम टीवी का जो कि आप देख सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली आंगन इज अ ट्रीट टू वॉच विद ऑल दीज लिटिल क्वेश्चंस असाइड. आंगन इज अ ब्यूटिफुल प्ले, इट्स शॉट ब्यूटिफुली, द एक्टिंग इज अमेजिंग, द डायलॉग्स, द वे दैट द स्टोरी हैज बीन कंस्ट्रूड इज ब्यूटिफुल. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी गोना सी ऑन स्क्रीन, आई कैन सेफली से दैट. जो टीम इसके साथ इन्वॉल्व है उन्होंने हमेशा पहले भी बहुत अच्छे ड्रामे हमें दिखाए हैं, लेकिन बस क्वेश्चन ये है कि जो केमिस्ट्रीज हैं आपस में लोगों की, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो कितने ग्रे रहते हैं, वो कितने ओवर द टॉप जाते हैं, क्या वो एब्जॉर्ब करना आसान है या नहीं. क्योंकि जब आपके पास इतने बड़े स्केल पे इतने मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी होती है जिसमें इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें आपका पार्टीशन का कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिलीज का लड़ना झगड़ना, हिपोक्रेसीज, उनकी उनके मॉरल यू नो उनकी मॉरल स्टैंडिंग्स, तो ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर कहानी को एक सिम्थ में रखना मुश्किल हो जाता है और एक कहानी में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है. सो आई एम होपिंग कि आहद और सजल की जो केमिस्ट्री है, इट विल सेव द डे एंड इट विल हेल्प अस स्टे इन्वेस्टेड इन एटलीस्ट दैट वन स्टोरी इफ नथिंग एल्स. बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना इट्स गोना कम टू दैट. आई थिंक दैट द स्टोरी इटसेल्फ इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ बिकॉज मुस्तफा अफरीदी इज अ वंडरफुल राइटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू. If you like these more reviews, please click on subscribe and stay tuned to the review with Mahwash playlist ka naam hai. Iske alawa agar aap ye video Facebook pe dekh rahe hain, to don't forget to like the Facebook page. Apna bahut khayal rakhiye. Thank you for listening once again. Khuda hafiz.